हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं पार्क जा रही हूँ जो कि हमारे घर के पास ही है, तो हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं कैसा है हमारे एरिया का पार्क। हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग तो मार्केट के अंदर रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा हम लोग को आउट में जाना पड़ेगा। तो हम लोग, मैं स्कूटी से जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के संग। हम लोग अब थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। यहाँ से यहाँ मार्केट ख़त्म हो जाती है, थोड़े आउट में है, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद थोड़ी दूर में पहुँच जाएंगे हम लोग। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है फ्रेंड, बहुत ही साफ सुथरा तरीके से यह पार्क है। वैसे हमारे सिटी में 5-6 पार्क हैं, तो इसे संजय पार्क कहा जाता है। तो चल रहे हैं, वो अभी रोड पे ही हैं, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। फ्रेंड हम लोग स्कूटी से सफ़र कर रहे हैं, बस मैं और मेरी फ्रेंड दो ही जने हैं पास में है। यहाँ का तो मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है, अभी भी बादल छाए हुए हैं। पता नहीं कितने दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। धूप तो दिखाई दे ही रहा होगा आपको कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी जो फ्रेंड है उनका बर्थडे है आज, तो शाम को पार्टी वार्टी देंगी। तो अभी उन्होंने कहा कि चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो हम लोग निकले हैं और इधर से ही हम लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे और घर जाएंगे। तो हम लोग पहले तो पार्क में आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ का ये जो संजय पार्क है वो कैसा है, कितना अच्छा है। दोस्तों तो हम लोग ये पहुँच गए हैं, ये है यहाँ का, देखिए ये गेट है, फर्स्ट गेट। तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे टिकट कटाना पड़ता है अपने को। तो यहाँ से 10 रुपीज़ एक व्यक्ति का है, तो फ्रेंड मेरी टिकट कटा ली है, मैं अंदर की तरफ चल रही हूँ। तो ये इधर से चारों तरफ से है, तो फ्रेंड देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं। चलिए मैं आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, और काफ़ी पुराने समय से ये काफ़ी पुराना पार्क है फ्रेंड। इसके बाद ही बाकी पार्क बने हैं, ये पहला, मतलब इस सिटी का पहला पार्क होगा जो सबसे पुराना होगा। तो देखिए यहाँ से मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ, चारों तरफ का नज़ारा है, और मैं आपको ऊपर रेलिंग में चढ़ के वहाँ से नज़ारा दिखाऊंगी। यहाँ से इधर से यहाँ से हमें अपने राइट साइड चले जाऊंगी। यहाँ पे अभी तो फवारे, अभी टाइम नहीं हुआ है, शाम को यहाँ पे फवारे लगते, फवारे खोलते हैं पानी का। तो इधर से ऐसे चले जाऊंगी मैं, इधर कुछ अनेक प्रकार के इधर चिड़ियों का, मतलब पिंजरा बना हुआ है जिसमें कई प्रकार की चिड़िया रखे हैं, जैसे कलरफुल जो चिड़िया होता है वो सब रखा हुआ है, मोर और क्या बोलेंगे आपका, मेरी फ्रेंड पीछे से आ रही है और उसे फ़ोटो खिंचाना है, तो यहाँ पे वो फ़ोटो खिंचा लेगी। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ से देखते हैं यहाँ के चिड़िया कैसे हैं अभी फ़िलहाल, और हम आगे से बढ़ते चल रहे हैं। तो देखते हैं चिड़िया लोग हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये सारे पिंजरे तो बंद पड़े हुए हैं, यहाँ से घिराव भी कर दिए हैं, तो मेरे को लगता है कि चिड़िया तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। काफ़ी कुछ रखते हैं, खरगोश वगैरह आपके, बस देखिए यहाँ पे बस एक मंकी दिखाई दे रहा है और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस दूसरे वाले में तो काफ़ी खरगोश वगैरह रखे रहते हैं, पर आज तो वो भी नहीं है। और इससे आके देखिए इस साइड में मोर रहते हैं, तो लगता है आज मोर भी नहीं है। अब ये सब कहाँ गए मुझे तो नहीं मालूम, ऐसे काफ़ी दिन बाद आई हूँ। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं और कोई जानवर है भी कि नहीं यहाँ पे। तो ये इलाका तो पूरा मोरों का रहता है, तो पर यहाँ पे मोर तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ चलूँगी, ऊपर से मैं देखती हूँ कि इस एरिया में तो हिरण रहते हैं। आगे आपको चल के दिखाती हूँ कि हिरण बचे हैं कि नहीं।
ये एक तालाब सा बना हुआ है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह का सुविधा रहता है। अभी तो बोट दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ये पार्क फ्रेंड शाम को ज़्यादा चहल पहल रहती है, अभी तो दोपहर है। और इस रेलिंग के ऊपर मैं चढ़ के आपको दिखाती हूँ यहाँ के, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे बड़ा सा कुआँ है और ये घिरावा के अंदर ये देखिए काफ़ी सारे हिरन हैं। तो चलो हिरन तो हैं यहाँ काफ़ी सारे। अब इसमें क्या क्या प्रजाति के हिरन हैं फ्रेंड, मुझे तो उतना जानकारी नहीं है कि किस किस प्रजाति के हिरन होते हैं, पर मैं हिरन बोल रही हूँ तो बस हिरन ही है मेरे लिए। तो देखिए ये सब हिरन हैं, काफ़ी हिरन बचे हैं, तो ये उनके लिए है जगह। और इसके ऊपर से चढ़ के देखते हैं कि हिरन लोग कितने सारे हैं, और बाकी साइड हैं कि बस वहीं पे थे। तो इससे मैं आपको इससे इसके ऊपर चढ़ने से फ्रेंड क्या है कि आपको चारों तरफ को देखने के लिए अच्छे से मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सा नज़ारा दिखाई देता है इसके ऊपर चढ़ने से। चलिए पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं। काफ़ी हरी भरी वादियाँ हैं यहाँ की, यहाँ सुबह शाम लोग टहलने आते हैं, यहाँ पे एक योगा का भी क्लास लगता है, उसके लिए भी एक अलग से जगह बने हैं। तो फ्रेंड देखिए इधर तो हिरन काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से हिरन हैं यहाँ। तो ये हिरन लोग के लिए क्या बोलते हैं, बाउंड्री बना के रखे हैं ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुंचा सके, या कहीं ये इधर उधर चले ना जाएं, क्योंकि साइड में कुछ जंगल वगैरह पड़ जाते हैं, तो कहीं उन साइड निकल ना चाहिए। जैसे चारों तरफ से घिरावा कर दिए हैं, उन घिराव के बीच में सब हैं दोस्तों। चलिए अब इधर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी जगह पर है, तो घूम घूम के हर जगह को देखना तो मेरे लिए असंभव है। बस ऊपर से ही मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी, नीचे से काफ़ी बड़े जगह पे है और काफ़ी मौसम भी ख़राब है, कभी भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, पर अभी तक बारिश तो हुई नहीं है, पर बारिश हो सकती है। जैसा लग रहा है वैसा मैं तो लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो चलिए इधर से धीरे से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये पार्क बहुत ही सुंदर है फ्रेंड, काफ़ी पुराना पार्क है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पुराने वृक्ष हैं, और नीचे भी फूलों का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। अभी काफ़ी फूलों को रोपण किया गया है, तो वो अभी बढ़ेंगे और अपने शिवरात्रि के सीजन पे यहाँ पे कुछ दूर पर शंकर भगवान के मंदिर है, तो शिवरात्रि में आसपास में मेले लगते हैं, तो यहाँ पे कभी भीड़ होती है तब तक इन फूलों पे फूल आ जाएंगे। अभी तो इसलिए रोपण किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से, और यहाँ पे चलते चलते हैं। फ्रेंड अब ये ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से मैं नीचे उतरूँगी, तो उतर जाती हूँ मैं नीचे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ आगे क्या है। फ्रेंड मैं तो यहाँ से उतर जाती हूँ,
हो रहा है क्या? ग्रीन से जड़ा है। नहीं, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या चढ़ने में, या किसी को जाने आने नहीं दे रहे हैं, रास्ता जाम करके रखे हैं? सभी तरफ बस देखने में लग रहा है कि बस वहाँ काफ़ी लंबा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बस वही वही जगह है जैसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग अलग जगह है। यहाँ से फिर धीरे से मैं बढ़ती जा रही हूँ, आप देखिए अगल बगल का नज़ारा कैसा है। देखिए बहुत बड़े से हाथी बनाया गया है पत्थरों से यहाँ पे, और ये यहाँ पे आगे भी शेर बनाया गया है। इनको भी लोग नुकसान किया करते थे, इसलिए मैं घेर के रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे पत्थर लत्थर से तोड़ फोड़ करने लग जाएंगे यहाँ पे खेलने के लिए, तो इसीलिए उसे थोड़ा सा घिराव में रख दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जानवरों का मूर्तियाँ बनाया गया था, इससे नुकसान पहुँच रहा था लोगों के भीड़ की वजह से। यहाँ पर ये शेर बना हुआ है, टिकट वाला हम लोग को बोल रहा था क्यों इतना लेट क्यों कर रहे हो यहाँ पे। अरे होते हैं कुछ लोग ऐसे ही, अब हम लास्ट में ही आ गए हैं, तो अब यहाँ से मैं नीचे की तरफ चले जाऊँगी, नीचे चलने के बाद देखेंगे और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये सीढ़ियाँ आ गई मेरे नीचे जाने के लिए, अब मैं नीचे उतर लेती हूँ, उसके बाद ही आपसे देखती हूँ। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ का जो रीति रिवाज है ग्रामीण, उन सभी का यहाँ पे पिक्चर्स बनाए गए हैं फ्रेंड, कुछ झाकियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर, जो आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनके जीवन शैली को दर्शाया गया है, क्या करते थे, कैसे उनका रहन सहन है, उन सभी चीज़ों को इस आसपास में प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। शौचालय का भी सुविधा है फ्रेंड, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ कलाकारी किया गया है, जो पुराने समय के आदिवासी समाज के लोगों का यहाँ पे चित्र को दर्शाया गया है, उनका रहन सहन, घर कैसे थे, क्या था, उन सभी चीज़ को बताया गया है। तो फ्रेंड इन सभी को आप लोग देखिए, और इनके और मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। चलिए देखते चलते हैं, निकल जाएंगे यहाँ से, फिर मैं अब यहाँ से बाहर निकल जाऊँगी, क्योंकि अब बारिश होने जैसे लग रहा है, तो ज़्यादा देर रुकना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलने के बाद मार्केटिंग भी अपने को करनी है, तो और समय भी काफ़ी शाम होने जैसे हो जा रही है। तो इन सभी को आप देखते रहिए, और धीरे से मैं बाहर की तरफ भी जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कैसे गाय बना हुआ है, कुछ औरतों का मोदी खड़ा कर दिया गया है, देखिए गाय चलाते हुए किसान, यहाँ पे स्त्री, और देखिए हम लोग का घर, रहन सहन, इसको कलाकारी से बनाया गया है, काफ़ी सुंदर है, बांस का घर बनाया गया है। और इधर से चलिए मैं इधर से इस रास्ते से ऐसे करके निकल जाऊँगी, मैं इनके चित्र को देखते हुए निकलते हैं। देखिए यहाँ पे ये औरत पुराने समय की चक्की जो होता है धान कूटने का वो, और यहाँ पे ये दो औरतें हैं बनी हैं, और ये औरत
अब क्या बना रही है, शायद पता नहीं ये क्या बना रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये देखिए बगल में सांप वाप हैं, और ये दो औरतें यहाँ पे खड़ी हैं, तीन के चित्र को दर्शा रहे हैं। अब इस तरह से मैं निकल जाती हूँ फ्रेंड, देखिए अब ये दूसरा तीसरा कई रास्ते हैं निकलने के लिए, तभी से यहाँ से निकलना अब समय हो गया है, तो अब निकलना चाहिए क्योंकि टाइम भी हो जा रहा है काफ़ी, और अभी हमें काफ़ी सामानों की ख़रीदारी भी करनी है, तो निकलते हैं। चलिए ये सब को देखते हुए, देखिए इधर गुलाबों की खेती कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब झूला वगैरह बने हैं बच्चों के लिए। तो हम लोग आ गए हैं इधर अपने रास्ते पे, मैं थोड़ा सा इस तरफ का एरिया दिखा देती हूँ आपको। आगे इस क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में मैं नहीं गई थी, तो उस तरफ ले चलती हूँ आपको, वहाँ पे क्या है देखते हैं आगे बढ़ के। चलिए देखते हैं इस तरफ क्या है। ये तो हम लोग जो सीधे गए थे वो वाली रास्ता है, और ये लेफ्ट साइड वाली है, तो इधर मैं नहीं गई थी, तो अभी चलिए थोड़ी दूर तक, ज़्यादा तक आगे नहीं जाऊँगी, थोड़ी दूर तक चलती हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का खेती किया गया था। फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे हर जगह लिख दिया गया है कि फूलों को तोड़ना मना है, और इधर आपके देखिए गुलाब की खेती की गई है, अभी तो बहुत कम गुलाब खिले हुए हैं, पर अपने शिवरात्रि मेले तक तो काफ़ी गुलाब खिल जाएंगे। यहाँ पर गुलाबों की खेती की जाती है। चलिए अब मैं मुड़ जाती हूँ क्योंकि अब निकलना है, और उसके बाद फिर हम थोड़े कहीं पे जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे और नाश्ता वास्ता करेंगे, और उसके बाद मार्केट चलेंगे। तो फ्रेंड अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, और ये आ गए अपने रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।